एक कंपनी जो टेलीकॉम की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मुकाम रखती है। आज वो कंपनी दो देशों की लड़ाई के बीच एक चक्की में घुन की तरह पिस रही है। क्या होगा उस कंपनी का भविष्य इन दोनों की लड़ाई के बीच? कहीं ऐसा ना हो वो कंपनी कहीं पीछे छूट जाए। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं रोहित कौशिक, देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया की नामी कंपनियों में से एक हुआवे पर अब संकट के बादल और भी ज्यादा घिर कर आ सकते हैं। मतलब ये कि अब हुआवे पर भारत में भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन चीन ने हुआवे टेक्नोलॉजी के भारत में प्रतिबंध को लेकर सख्त चेतावनी दी है। चीन के मुताबिक अगर हुआवे पर भारत में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो चीन अपने यहाँ कारोबार करने वाली भारतीय फर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। इधर अमेरिका ने कहा कि चीन 5G की बुनियादी स्ट्रक्चर में हुआवे को भागीदारी दिलाने के लिए भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हुआवे को प्रतिबंधित कर रखा है। अमेरिका दूसरे देशों को भी हुआवे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से मना कर रहा है। चीन को उम्मीद है कि हुआवे को लेकर भारत इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव होकर निर्णय लेगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने 5G सेल्यूलर नेटवर्क के इंस्टॉलेशन की बिडिंग को अगले महीने तक के लिए रोक दिया है। भारत सरकार की तरफ से अभी तक चीन की टेलीकॉम कंपनियों को 5G बिडिंग प्रक्रिया में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हुआवे दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है और शंघाई पहला ऐसा शहर जो 5G टेक्नोलॉजी के एडवांस जनरेशन में कदम रख चुका है। जाहिर सी बात है, अगर भारत सरकार की ओर से 5G की बिडिंग के लिए चाइना की टेलीकॉम कंपनियों को नहीं बुलाया जाता तो चीन के लिए चिंताएं बढ़ेंगी। हुआवे 5G टेक्नोलॉजी वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो इस वक्त अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर के बीच फंसी हुई है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। चलिए देखते हैं कहानी की अगली कड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से इस साल मई के महीने में हुआवे कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। अमेरिका की तरफ से हुआवे कंपनी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी प्रशासन ने अपने सहयोगी देशों से भी हुआवे के प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने की मांग की थी। अब भारत भी अमेरिकी दबाव की वजह से हुआवे को ब्लैकलिस्ट करने की योजना बना रहा है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री का बयान आया, बीजिंग को उम्मीद है कि भारत 5G बिडिंग में एक स्वतंत्र रवैया अख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि हुआवे भारत में लंबे वक्त से निवेश कर रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ है। हुआवे पर अमेरिकी प्रतिबंध है, भारत पर भी दबाव है कि वो हुआवे को बैन कर दे। लेकिन इन सब बातों के बीच ये याद रखना भी जरूरी है कि हुआवे एक अच्छी कंपनी है। आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या भारत में हुआवे को बैन कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।